Good afternoon students, this is the voice of Monica Miss from WWSOS. Now in that class we start lesson number 3, the Northern Plains. Okay, what is the meaning of the Northern Plains? Northern means north side mein, plains yane maidan. ठीक है, जहाँ plains होते हैं यानी मैदान होते हैं. ठीक है, अब वो किस चीज़ के काम आते हैं अब हम लोग देखते हैं. Towards the south of the Himalayas lie huge fertile plains called the Northern Plains. See, that plains are in the south of the Himalayas which are very fertile and they called the Northern Plains. अभी ये जो होते हैं वो हिमालय के साउथ में, साउथ यानी साउथ साइड पता है ना आपको, नॉर्थ साउथ नीचे साइड में. ओके, एंड हिमालयस के नीचे होते हैं साउथ में एंड वो बहुत फर्टाइल होते हैं. फर्टाइल यानी क्या? उपजाऊ, जिसमें हम अगर कोई अनाज या कुछ डालते हैं तो अच्छी खासी फसल होती है, उपजाऊ होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं. दीज प्लेन्स आर मेड बाय द फाइन सिल्ट एंड एलुवियल ब्रॉड डाउन बाय द रिवर्स लाइक द गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्र. सी हियर, अभी ये जो प्लेन्स है उस वो किस चीज़ से बना हुआ है? फाइन सिल्ट और एलुविलियल, यानी ये चीज़ें जो है हमारे उपजाऊ बने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है. यानी हम लोग खाद वगैरह डालते हैं तो धान अच्छा होता है ना, वैसे ही इस ज़मीन में ऑलरेडी ये सब मिला हुआ होता है और ये सब बहकर कहाँ जाता है? रिवर, है ना. ये जो ज़मीन है इस ज़मीन में ही ये चीज़ें होती हैं और वो ज़मीन के द्वारा किस में जाता है? रिवर्स में, नदियों में जाता है. लाइक कौन सी नदी? गंगा, सतलज एंड ब्रह्मपुत्रा. दीज आर द 3 रिवर्स दैट आर इन द नॉर्दर्न साइड ऑफ द Himalayas. Okay, now alluvial soil is very fertile. This soil is very fertile. बहुत उपजाऊ होती है ये, ऐसी मिट्टी जो होती है बहुत ही उपजाऊ होती है ऐसी चीज़ों के लिए. It is good for growing a large variety of crops. See here, and it is very good to growing the crops. See, wheat, rice, jowar, anything we grow in that soil, that crops मेड वेरी गुड, है ना, दैट फर्टाइल वेरी गुड. नाउ या अभी उस चीज़ में हम लोग अगर कोई चीज़ डालते हैं, कोई भी वेराइटी डालते हैं क्रॉप्स की, तो वो धान बहुत अच्छा होता है. सो दिस रीजन इज ऑफन कॉल्ड द फूड बाउल ऑफ इंडिया. सी, इस ज़मीन पे अगर हम कुछ उगाते हैं तो कभी वो ख़राब नहीं होती है ना, धान बहुत अच्छा होता है, इसलिए इस एरिया को क्या बोला गया है? फूड बाउल ऑफ इंडिया, यानी हमेशा 12 ही महीने यहाँ पे खेती बहुत अच्छी होती है. द रिवर्स फ्लोटिंग थ्रू द नॉर्दर्न प्लेन्स डिवाइड द प्लेन्स इंटू 3 रिवर बेसिन्स. सी हियर, इन दैट एरिया, दैट नॉर्दर्न प्लेन्स एरिया, द रिवर्स आर फ्लोइंग. अभी इस एरिया में जो नदी बहती है वो आगे जाके क्या हो जाती है? डिवाइड हो जाती है. किस चीज़ में? 3 रिवर बेसिन्स में डिवाइड हो जाते, 3 साइड में डिवाइड हो जाते. सी या सी, दीज आर द रिवर्स हियर, 1 साइड फ्रॉम वेस्ट, हियर इज द मिडल एंड इन दैट साइड ईस्ट साइड. दिस 3 साइड्स दैट इज द बेसिन्स, 3 बेसिन्स दैट डिवाइडेड. ओके, नाउ हियर, ओके, नाउ द सतलज रिवर in the west. See here, that Satluj river in the west and the Ganga basin in the middle. See, that is the Ganga basin in the middle and the Brahmaputra basin in the east. See here, in that side, that Brahmaputra basin in the east. Okay, now a basin is an area watered by a river and its tributaries. What was the basins? See here, that basins, in that area the watered basins are there by a river. यानि वो क्या होता है? अभी ये जो 3 basins में divide हो चुके हैं, है ना, और वो basins जो होते हैं पूरे पानी, जो rivers हैं
और रिवर्स और ट्रिब्यूटरीज यानी जो उनके साथ में छोटी नदियाँ होती है उनकी हेल्प के लिए जो नदियाँ होती है, और दूसरी फोर द सतलज बेसिन. व्हाट इज दैट सतलज बेसिन? पंजाब एंड हरियाणा लाइज इन द सतलज बेसिन. सी हियर, दैट इज द सतलज बेसिन. हियर इज द पंजाब एंड हरियाणा इन दैट बेसिन. द सतलज एंड इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज, दिस इज द सतलज बेसिन. And here the small river called the small river नहीं helping river बोल सकते हैं हम लोग उसके साथ में, जो उसके साथ की एक नदी होती है. The bees, the name is bees. The tributary, the main tributary of that Satluj river is bees flow towards the southwest, flow towards the southwest and join the river Indus in Pakistan. See here. There is the river that flows from west to south. वो नीचे की तरफ बहती आती है, west to south. And this sea and the river joins to the Indus river which is in the Pakistan. Is it clear? He joins the river Indus. वो जाके Indus river पे के साथ join हो जाती है. The soil of Satluj basin is very fertile. जो ये सतलज बेसिन की जो सॉइल होती है, मिट्टी होती है, वो बहुत उपजाऊ होती है. द मेन क्रॉप्स ग्रोन हियर आर वीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन. दीज आर द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द सतलज बेसिन रिवर. ओके, नाउ द क्लाइमेट ऑफ द सतलज बेसिन इज एक्सट्रीम. समर आर हॉट एंड विंटर्स आर वेरी कॉल. सी अभी यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना, जो वातावरण होता है ना, वो हर चीज़ का ज़्यादा ही होता है. यानी अगर समर है, गर्मियाँ हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, ठंड है तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी, है ना. द भाकरा नंगल डैम बिल्ड ऑन द रिवर सतलज. सी हियर, दैट डैम इज बिल्ड ऑन द रिवर सतलज. सतलज के ऊपर कौन सा डैम बना हुआ है? भाकरा नंगल डैम इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डैम. ये दुनिया का सबसे लंबा डैम है, लार्जेस्ट डैम है. इट प्रोवाइड्स वाटर फॉर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पंजाब एंड हरियाणा. अब ये क्या करता है, ये जो डैम है वो क्या प्रोवाइड करता है? वाटर तो प्रोवाइड करता है इरीगेशन के लिए, यानी कि सिंचाई, धानों को सिंचाई करने के लिए. जब गर्मियों का मौसम आता है तो पानी, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उसके कारण पानी की कमी हो जाती है, तो वो पानी सप्लाई करता है धान के लिए. और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी काम आता है पंजाब और हरियाणा को. ओके, नाउ इन दैट क्लास वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सतलज बेसिन. ओके, एंड नाउ इन द नेक्स्ट क्लास वी आर सी दैट द गंगा बेसिन. ओके, नाउ यू पीपल रीड प्रॉपरली this lesson. Okay, and I give you the notes also, see in that next period. Okay, thank you.